सो वी हैव डिस किसी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किए हैं तो बहर है ही हैं उसमें तो किसी को कोई खिलाफ नहीं है लेकिन uh, जो सेंस प्राइवेटली किए जाते हैं उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा है एक्चुअली वी डिस्कस्ड योर प्राइवेट रिलेशनशिप विद अल्लाह ता था कि वो जितना अच्छा होता है hmm. उतना ही आपकी बाहर बल्कि आपकी जजमेंट उसी पर होती है कि हाँ। आपके प्राइवेट में जो अल्लाह से रिलेशनशिप है वो कैसा है बिल्कुल अच्छी बात है और यार असल में ना देखा जाए अभी जो करंट दौर का जो एक बहुत बड़ा जो फितरा है ना वो ये कि आप पीछे चले जाएँ पुराने दौर में ना यानी इट वॉज नॉट ईज़ी टू तो कन्वे योर वर्ड टू मैसेज और टू इन्फ्लुएंस पीपल और टू रीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल नहीं उनको कैसे याद होगा वो पुराने जमाने से होंगे वो अब साथ यानी हाँ ये पाँच साल पुरानी बात कर रहे हैं थोड़े से ना वो एज में बड़े लगते, लगते हैं न, आ, ना ब्रो हम तो टीनेज में भी थोड़ा सा ऊपर ही हैं वो साथ तो टीनेज में भी ओके माशाल्लाह सही लगते हैं ना हाँ अभी अभी एटीन क्रॉस है ना आप बात करवा दीजिए अभी स्वीट सिक्सटीन है न,

आप देखते हैं कि इट वॉज वेरी टफ फॉर पीपल टू यानी किस तरह से पहले तो आ, महीने लगते ट्रैवल करने में की बात अपने कोई मैसेज करने में। यूज किया जाता था, hmm. था, yes. था कि बंदे को बताते थे तो फिर वो ट्रैवल करके और कहां से कहां बात लाइट्स के थ्रू फायर के थ्रू मैसेज कन्वे करना वन सिटी टू अनदर सिटी

में resources के बढ़ने से ना हर चीज आसान होगी ना गुना करना भी आसान हो गया निकी करना भी आसान हो गया सही बात है हाँ। अगर लोगों तक पहुँचाना अच्छी बात पहुँचाना कितना आसान हो गया हुँ। पहले हुँ। अच्छी बात भी पहुँचाना मुश्किल था ना यू नो सो उसके टेक्नोलॉजी के अंदर मसला नहीं है हाँ, उसके यूज के अंदर मसला लेकिन पहुंचाने का जज्बा भी है इस एतबार से भी लोग ग्रुप्स हाँ, बना के और मैसेज पे मैसेज और बहुत ज्यादा इतने कि लोग पढ़ भी ना सकें मतलब मेरे ख्याल से ये भी चीज़ उस तरह से परमिसिबल या रिकमेंडेड नहीं है कि रोजाना ही गया रोजाना नसीहत क्या करें

तो आप देखते हैं कि पहले यानी दस साल पहले हिबत करना इतना आसान नहीं था जब सोशल मीडिया में नाउ यू डोंट नीड टू पीपल यू नीड एंड कनेक्शन सेल फोन और व्हाट्सएप मैसेज कर दिया यार कितना फजूल इंसान है एंड डन इवन आपको बुरा देखने के लिए यार शुभाल इवन जो बाज़ार थे ना यानी जो जो जहाँ पे प्रॉथल्स होते थे और सारा लोग अपने चेहरे कवर करके ना वहाँ पे छुप के बाज़ार हौसन में जाया करते थे बिल्कुल नाउ बाज़ार हौसन आर अवेलेबल इन आर बेडरूम्स बात करें जो की बहुत ज्यादा प्रेबलेट है और हमें ज्यादा इसमें आते हैं तो नो no डाउट इससे ना बूढ़े बचे हैं यार ना सिस्टर्स बची हैं ना नौजवान ना दीनदार बचे हैं क्योंकि लोग आपको जब देख रहे होते हैं ना यू आर इन पब्लिक तो वो पब्लिक भी एक डिटेरेंस होती है ठीक हाँ, है कि आप लोगों के डर से भी कोई चीज़ नहीं करते हो बिल्कुल तो अभी तो आपकी लोनलीनेस में यू हैव एक्सेस टू द होल वर्ल्ड बेसिकली तो अब आपको क्या चीज़ बचा सकती है आपका अपना कॉन्शियस माइंड ही बचा सकता है अगर तो आपका नफ्स इतना स्ट्रॉग है ना तो वो आपको यानी कि मुतनबे कर सकता है या आपको बाखबर कर सकता है कि यार नहीं ये ये रेड लाइन है ये मैं क्रॉस नहीं कर सकता हाँ you know? पता है कि हमें एज ए नेशन यानी उम्म मुस्लिमा की बात की जाए ना वी आर वेरी फार फ्रॉम नॉलेज अभी आपने बात की ना कि, कि जहाँ सन इतना कन्वीनियंट हो गया है आप यानी जो चाहे कर सकते हैं जो आपके माइंड में आता है इन इक्वल टर्म्स अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं ना दीन हासिल करना चाहते हैं वो इतना आसान oh, हो गया ब्रो पहले देखे ना हमारे जो सलब थे इमाम बुखारी वगैरह दे यूज टू ट्रैवल यू नो माइल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनको दिन लग जाया करते थे सिर्फ एक हदीस को जो है ना ऑथेंटिकेशन उसकी देखने के लिए जानने के लिए और फिर दोबारा वापस सफर भी करते थे हम लोग सात आठ दिन का जो सफर करते हैं ब्रो हमें पता होता है कि हमने वापस जाना है ओ यार दोबारा वही सफर वही रास्ते से वापस आना है तो बड़ी बोरियत सी फील होती है राइट और सफर हमारा तो

उनसे एक गुनाह हुआ था जस्ट बिकॉज दे कमिटेड वन सिन सिंगल सिन और उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था और शैतान ने क्या किया था ब्रो एक ही सिन था ना hmm. एक ही गुनाह की वजह से कहाँ पे उनका स्टेटस था यानी शैतान कहाँ पे था एंड ही एंडेड अप एज अ रजीम के मलयून उसको कह दिया गया और अगर आप अल्लाह बाब सुफहान अल्लाज यू नो गोइंग थ्रो द बुक ऑफ रहा एंड को इंसिडेंटली आज सुफहान अल्लाह जो आ, इमाम थे वो भी सूर्य मोमिन पढ़ रहे थे hmm. ब्रो टाइम अगेन एंड अगेन जब हम क़ुरान मजीद पढ़ते हैं ना आप नू सलाम की कौम को देखें वॉट डिस्ट्रॉयड द पीपल उनको यानी गर कर दिया गया फिर कौम आद कोम समूद कोमे लूत कोम शुएब फिर ओन वगैरह इनके गुनाह ही तो थे कि पूरी पूरी कौमों को तबाह कर दिया गया यानी दे व डिस्ट्रॉय अटली आज हम गुनाहों को गुनाह समझते ही नहीं है गुनाहों को समझते हैं नहीं है और वो अनस बिन मालिक आ, कहते हैं ना उन कहते हैं कि आज तुम लोग गुनाहों को तुम्हारे लिए गुनाह एक बारीक बाल की मानद है हालांकि हमारे ज़माने में हम इन गुनाहों को अपने लिए मोहलिकात समझा करते थे कि दीज दी थिंग दीस विल नेशन भी पता है तबाह हो चुकी होती है अभी तक अगर अल्लाह का वो एहसान ना ना होता रसूल की उम्मत को जो है वो इस तरह का आज नहीं दिया जाएगा, वो नहीं, नहीं, ही हो जाएगा। नहीं, नहीं, लेकिन है आजाब है देखिये अगर हम आजाब में नहीं है, है क्योंकि उस फित उस आजमाइश से बचो डरो तुम्हारे जो गुनागार है उन पर नहीं आएगा हस्ती से मिटा देने वाला जो इजाबी देखिये हमारे यहाँ मसाल के तौर पर जो फाइनेंशियल इशू है इतना बड़ा इशू है हर बंदा तंग है हमारे यहाँ हम लोग सब कुछ होने के बावजूद आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल दी आर द डे आई थिंक इट वॉज पब्लिश थ्री मंथ्स बैक इन वन ऑफ द न्यूज़ पेपर दे व टेलिंग दैट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पाकिस्तानीज़ दे आर इन टू डिप्रेशन एंगजाइटी और ये वो सारा करके एंड आर ऑफ दिस सेवेंटी फाइव पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूथ इमेजिन करें कि यंगस्टर्स को क्या डिप्रेशन है भाई hmm. अभी हालांकि आपने ना कोई uh, वो जो फाइनेंशियल जो एक एस्पेक्ट होता है आपने उस दुनिया में अभी कदम रखा ही नहीं है उनके जो डिप्रेशन की सबसे जो बड़ी जनरल रीज़न है ना हमारे यहाँ वो है आपका ये सोशल मीडिया ही एंड आई थिंक जो सीक्रेट सेंस और जो सीक्रेट अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना ये बहुत बड़ा इशू है uh, जिसकी वजह से क्योंकि अब तो रिसर्च इस पर बेतहाशा है कि यू नो एक्सेसिव यूज़ ऑफ़ सोशल मीडिया और वॉचिंग पोनोग्राफी इसका आपके ब्रेन पर किस तरह इफेक्ट okay, mm. होता है एंड दीज आर वन ऑफ़ द लीडिंग कॉजेज़ फॉर डिप्रेशन एंड एग्जाइटी दीज थिंग बिकॉज आपको उसके सोशल कंपेरिजन है और वॉट नॉट और एक यंग माइंड होता है ना बड़ा वनरेबल सा होता है उसको बजाय ग्रो कराने के आपने उसको इस चीज़ पर लगा दिया ना उसकी फिजिकल एक्टिविटी mm. ना उसकी सोशल सर्कल कोई रहा मतलब एक बंदा है वो न एक सोलह साल का पंद्रह साल का लड़का या लड़की है उससे आप पूछे कि आप क्या <coughs> टाइम किस तरह स्पेंड करना चाहेंगे दे वुड प्रॉबली से कि अपने कमरे में अपने लैपटॉप आईपैड या फ़ोन के साथ बिल्कुल इवन फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मतलब दैट दैट्स द मोस्ट मतलब मुझे जो अजीब चीज़ लगती है ना मतलब हम लो, लोग शुक्र है ऐसे टाइम में, में गुजरे के ये चीज़ें नहीं थी तो ऑप्शन नहीं थे ना वी हैड टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स यार इज इट अस के अभी हमें रियलाइज होता है और वी आर वी कैन टू गो टू फिजिकल एक्टिविटी मोर और इज इट एवरीबॉडी और इट्स द एज ब्रैकेट कि इस एज ब्रैकेट में आके लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है आई थिंक दोनों चीज़ें हैं आई थिंक एक तो है कि हमारी आप ब्रिंगिंग डिफरेंट है ना दो वी वी के नॉट यू नो अंडर माइंड दिस थिंग के एक बचपन से लेकर आपकी जो ग्रूमिंग हुई है ना चौदह पंद्रह सोलह साल तक या अठारह साल तक कभी उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है अच्छा हाँ हमारा तो ये टाइम पीरियड बड़ा डिफरेंट था ब्रो हमारा बहुत डिफरेंट है ना ये इस तरह की चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री न चाइल्ड हुड टू पॉइंट वो मतलब वो इतनी अमेजिंग है उसमें मतलब उसमें उन्होंने पेरेंट्स का दिखाया हुआ है और बच्चों का दिखाया हुआ है मेर कॉन्सली कंपेयरिंग देर चाइल्ड हुड द चाइल्ड टू पाउडो मीनस दैट देर इज डिफेंट चाइल्ड हुड नाउ द चाइल्ड्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज पहले mm. जो था ना वो और था अब अब और है अब नाउ किड्स ग्रो अप वॉचिंग स्क्रीस दो साल तीन साल के बच्चा माँ बाप को भी देख रहे हैं ah. फोन यूज़ करते हुए mm. घर में टेलीविजन है लैपटॉप्स हैं आई पैड्स हैं स्क्रीन्स ही है, स्क्रीन्ज हैं एंड mm. यू नो uh, you know, मैं पर्सनली इतने ऐसे बिकॉज अकेडमी uh, में फुटबॉल अकेडमी में छोटे बच्चे आते हैं एंड आई नो पाँच पाँच छः छः सात सात साल के बच्चे आते हैं ना और पेरेंट्स कहते हैं कि यार इनको बस हमने जबरदस्ती बाहर भेजने बिकॉज अब इनके ना एंगर इशूज़ और अजीब अजीब इशूज़ असल बच्चों तो, में इतनी एनर्जी है ना वो अगर आप कहीं निकालेंगे नहीं ना और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है ना कि सेफ़्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि यू कॉन्ट सेंड योर कैसे सबसे बड़ा ये भी हुआ है ना कि देखें जब उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं सोशल मीडिया उनके हाथ में आया है बेंच वॉशिंग नेटफ्लिक्स या सब कुछ ठीक है वो हुआ उस पर हैं अब हुआ यह कि उनसे जब एक ट्रिगर हो गया एक पॉपअप हुआ तो आप गुनाह में पड़ गए और जब गुनाह एक दफ़ा हुआ उसका प्लेजर हुआ फिर दोबारा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा इतना ज़्यादा लोग इसमें पड़ जाते हैं कि इवन इफ इव दे वांट टू लीव दैट सिन दे के नॉट लीव दैट सिन मेरे हाँ। पास एक लड़का आया कहता है कि तो हाँ भाई मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब हूँ मैं लाइफ में मैं डिसीजन ये नहीं ले सकता मैं कोई काम करना चाहूँ मुझे मेरा नफ्स पता ही कहता है यू कैन डू इट और मुझसे बोला नहीं जाता मेरे अंदर कॉन्फिडेंस सेटर हो गया है और सारा अच्छा जब मैंने उसको पूछा उसने काउंसलिंग सर्चिन था बताया बताया कहते हैं तो अभी आई अपॉन एडेक्टिव ठीक है mm -hmm. और तो अभी हाँ इस चीज़ ने ना मैं इतनी दफ़ा रो जाऊँ और मैंने अपने आप में ना क्या क्या पेनल्टीज नहीं लगाए mm -hmm. मैंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को सेल्फ हार्म करूँगा अगली दफ़ा अगर मैंने किया <coughs> और मैंने किया लेकिन तो अभी मैं स्टिल आई फॉल इन टू दैट सें और क्या हुआ है कहते हैं तो अभी मेरी विल पावर ख़त्म हो गई है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लर्नड हेल्पलेसनेस या एक्वाइड डिस्पेयर और इसमें पूरी रिसर्चेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं दो उन्होंने ना एक बड़ी रिसर्च की हाइली एनाथिकल जिसमें डॉग्स के ना दो ग्रुप्स बनाए डिटेल में तीन ग्रुप्स बना कि मैं उसको शॉर्ट रेड बता रहा हूँ एक एक ग्रुप बनाया जिनको वो एक प्रात एक डिवाइस थी और उसको ना वो ग्रंट जैप्स करंट के देते थे इलेक्ट्रिसिटी जैप्स देते थे और वो अपने आप वो सर्वाइव करने के लिए भागते थे निकलते थे एंड वेन दे यूज़ टू क्रॉस अ बैरियर वो ख़त्म हो जाता था ठीक है दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें उनको वो पहनाए डिवाइस लेकिन वो जिस तरह से भी कोशिश कर लें वो इलेक्ट्रिसिटी जैप्स ख़त्म नहीं होते थे वो ठीक oh, है तो उनने क्या किया फिर एक और एक एक्सपेरिमेंट किया इन्हीं दो का और उनको एक नई जगह ले लिया जहाँ पे दोनों के लिए सेम था कि जब आप इसको <laughs> क्रॉस कर जाए एक बाउंड्री को एक बैरियर को तो दोनों का खत्म हो जाएगा hmm. जिन डॉग्स ने पहले एफर्ट करके वो इलेक्ट्रिसिटी जैप को इग्नोर किया था ना यानी उसको कॉन्कर किया था वो तो भागे बट दूसरा वाला जो है ना दे टू सफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक जैप्स एंड दे थिंक नहीं हम तो कभी निकल नहीं सकते ओके ठीक है और उनको मेमरी okay. बन गई ना बन गई उनकी एंड hmm. उन्होंने कहा कि नाउ दे नो दे के नॉट लीव दैट पेन दे आर इन टू दैट पेन फॉर एवर एंड दिस इज नोन एज हेल्पलेसनेस इवन इंडिया में भी होता है जो जूज में उसमें क्या करते हैं कि लोग ना एलिफेंट के बेबी को चेन से पापाओं से बांध के उस पर एंकर बांध देते हैं वो है। अपने आपको बचाता है मारता है मारता है खींचता है उसको पेन होता है जख्म होता है वो नहीं निकल सकता उससे बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब और फिर वो कुछ जब वो लर्ट है से फिर वो ना जब वो बड़ा भी हो जाता है ना उसको एक डोरी से यानी रस्सी से किसी कुर्सी से बांध दे ना सारी जिंदगी वहां खड़ा रहता है एंड मुसलमानों के साथ भी यही हुआ ब्रो मंगोल्स के टाइम पे इतनी लुट मच गई थी कि एक मंगोल्स का एक आम सिपाही मुसलमानों के पूरे कबीले में आता और कहता सब लाइन में खड़े हो जाओ और वो हज़ारों मुसलमान लाइन में खड़े हो जाते और वो एक बंदा होता वो कहता रुको जरा एंड ही यूज टू मेक दम वेट गो आउट लेट मी फाइंड सूटेबल स्टोन टू क्रश योर हेड्स बाहर जाता वो वर्थन ढूंढता एक एक को बुलाता उनके सर को क्रश करता फिर निकल Achha? जाता यस yes, ब्रो mm -hmm. ये हिस्ट्री I mean, ने देखा है सो so, डिस्पेयर जो है ना mm -hmm. जब हम एक गुनाह से चाहे वो पढ़ने है चाहे वो फिल्ड देखते हैं जब उससे नहीं निकल पा रहे होते ना अगेन एंड अगेन एंड वी टेन टू डिवेलप दिस एक ये साइकोलॉजी का मैकेनिज्म है डिस्पेयर वी से यार आई एम इन दिस सिन फॉर एवर वैन आई एम इन दिस सिन एंड दैट इज द दे कम टू यू अब क्या होता है सबसे पहला विल पावर खत्म दूसरी चीज़ नॉलेज इंसान से निकलता जाता है इज इट रिलेटेड टू और ऑल एनी, सिन, okay. तो एनी सिन, क्योंकि जो उलमा और जो हम बात करें आखरत की बात नहीं कर रहे करेकबर की बात नहीं कर रहे हम जन्नत जन्न की जन्न बात नहीं कर रहे हम कहते हैं दुनिया में जो आपकी ज़िंदगी तबाह होती है ना गुनाहों से वो ये होती है कि आपके पास नॉलेज चला जाता है वो फान यार वो इमाम शाफ़ी भी आए थे ना अपने टीचर के पास इमाम वकीय के पास और कहते हैं वकी वकीय वहफी कहामरी के वो किताबें पढ़ते नहीं थे कि मुझे हिफ्स हो जाएंगी <laughs> और वो इतना इस हद तक वो थे उन्होंने औरत का टखना देखा एक दफा तो कहते हैं आई फेल्ट लॉस इन माई मेमोरी

अम्बिया के बाद साहबन से भी गलतियाँ कोई हुई हम हमारा अकीदा है कि अंबिया मासूम थे उसके अलावा और साहबा को लू जन्नती हैं मन <laughs> लेकिन गुना होते हैं अब असल में कंसिस्टेंसी है ना ब्रो कंसिस्टेंसी है और रुझू भी है उसके बाद आप क्या करते तौबा यानी तौबा करने से इंसान जब आंसू बहाता है तो उसका जो इविल इफेक्ट है वो रिमूव जाता है अल्लाह तला ने बता दिया ना कि देखें गुनाह सब करते हैं जैसे आपने कहा ना कुल्लू बनी आदम ख़ुता तवाबून अब देखें तवाबून यहाँ से आपको पता चल जाता है दे कॉन्सटेंटली रिपेंट अगर वो बंदा स्लिप करता है वो दोबारा जो है, है। तरफ तोबा करता है और इतनी ज़बरदस्त है ना ब्रो अल्लाह ताला फरमाते न मतोब्लादीन याबी यतूबून मिन करीब कि अल्लाह ताला के जिम्मे है उस शख़्स की तोबा को कबूल करना जो जहालत से यानी ना दानिशा तौर पे वो भूल कर बैठता है और गुनाह कर बैठता है लेकिन वहाँ पे फिर ये नहीं कि वो प्रोकेस्टिनेट कर लेता है दूसरा गुनाह कर लिया तीसरा गुनाह कर लिया नो

दुनिया की कोई टेक्निक उठा लें hmm. आप गुनाहों से नहीं छुड़वा सकते सवा एक है यार जो चीफ है पता है क्या है वो कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह अल्लाह मुझे देख रहा है hmm. अल्लाह मेरे करीब है ये जो है ना जिसको बोलते हैं मुराकबा शेख मोहम्मद अमीन शगीदी कहते हैं कि आसमान से कोई चीज़ इतनी खैर वाली नाजिल नहीं हुई जितना मुराकबा है एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर मुस्लिम्स दोज हो वॉन्ट टू लीव सिन कि आपके दिमाग में एक हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है अल्लाह इज वॉचिंग मी राइट नाव और सुबह से साबित है आप जो मर्जी करना है करें प्राइवेट में जो मर्जी करना है करें, करें न, वो पब्लिक हो जाएगा खैर हो या शरो अच्छा Bro, पब्लिक कर देगा जो म, जो मर्जी करना है करें खैर हो या शरो कंसिस्टेंटली करें अल्लाह विल मेक इट पब्लिक और ये की है बिलीवर्स जो हैं देखें बिलीवर होता कौन है बिलीवर यही तो है कि वन वीर से वी आर बिलीवर्स तो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं ना इट्स पार्ट ऑफ आवर फेथ दैट अल्लाह सन्ना इज़ वॉचिंग अस सो इट मीनस कि यू आर बेसिकली नेवर अलोन यू आर नेवर अलोन चाहे आप अपने रूम की कोजीनेस में अकेले मौजूद हैं अपेरेंटली बट सबसे पहले तो आपके ग्रामन कातबीन hmm. फरिश्ते आपके साथ हैं और दो नहीं होते ज़्यादा भी होते हैं ठीक है डिपेंड करता है कि आप क्या क्या आज करते हैं वगैरह वगैरह

अगर आप कोई गुनाह कर रहे हो और एकदम आपका भाई दाखिल हो जाए कमरे में वट वुड यू फील या आपकी मदर या आपके फ़ादर दाखिल हो जाए तो आप कुछ दिन तक उनसे नज़र नहीं मिला सकोगे एंड यू वुड फील वेरी बैड यार दे जस्ट गॉट टू नो मैंने मैंने hmm. वो जो सेंड किया है यू नो अब मुझे आई वॉज थिंकिंग कि इमेजिन करें कि एक कंपनी uh, का ऑनर है और उसने इम्प्लोई को ना कुछ काम बताएं कि यार ये या आपने करना है और इनसे आपने बचना है यू डोंट हैव टू डू दिस और बार बार वो कहते हो सकता है कि जो इम्प्लॉई है हो सकता है कोई जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कंपनी का वो अपनी जो कॉम्पिटेटिव कंपनी उसको दे देता है वॉट इफ़ दी ओनर नोज कि यार इसने देखो ये ब्रीच किया और कंपनी के देखो ये पॉलिसी को इसने जो है ख़राब किया और हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है तो अब ऑनर कैसे रिएक्ट करेगा उस एम्प्लॉय का क्या हाल करेगा और मुझे ना वो हदीस याद आई कि जिसमें ना रसोल वसम बता रहे थे कि अगर कोई शख्स अपनी आ, बीवी को देख ले कि इफ़ शी इज़ कमिटिंग एडल्ट्री विद wow. सम परसन hmm. तो उसको चाहिए कि पहले शवाहिद लेके आए और यानी गवाह लेके आए तो हुआ क्या कि शायद बिन मज़ सरदार हैं अनसार के वो खड़े बोलते हैं या अल्लाह कौन गवाह लेके आएगा मैं तो उसको कत्ल कर दूँगा बंदे को हाउ डेढ़ ही डू दैट विद माय वाइफ और फिर ना सहाबा क्राम आस ना सुन रहे हैं और रसूल्ला फरमाते जबून अमिन गिर साद कि मेरे सहाबा तुम्हें सात की गैरत पे ताजुब हो रहा है और फिर रसोल्ला ने कहा कि आना अग़ या रोमिन के मेरे अंदर सात से ज़्यादा गैरत है मैं ज़्यादा बाह या हूँ एंड देन रसूल्ला सेड वाहू अग़ या रुमिन अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरत वाले हैं नाव इमेजिन अगर बंदा सोचे कि यार मेरे पास जो कुछ है माई आइज माई हार्ट माई ब्रेन माई माइंड जो कुछ मेरे हाथ हैं और मैं अकेला हूँ रूम में आई एम जस्ट अंडर मा ब्लैंकेट नोबडी इज़ वॉचिंग मी और मैं वो वो स्टफ देख रहा हूँ विच एम नॉट अलाउड टू सी और मैं वो वो एक्ट्स कर रहा हूँ विच एम नॉट यू नो आई एम नॉट यू नो आई एम नॉट अलाउड टू होल्ड आई एम नॉट अलाउड टू टॉक विद सम अदर जेंडर ये वो सारा करके आई फोगॉट द फैक्ट कि अल्लाह सुबहना तैाली मुझे देख रहे हैं अब देखें इस हदीस को अगर आप कंपेयर करें कि अल्लाह ताला की गैरत सबसे ज़्यादा है अब ये बंदा भूल जाता है कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों का कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्लाह ताला की ज़मीन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ और अल्लाह ताला की छत में रो पर है अगर अल्लाह ताला चाहे इसी वक्त ये ज़मीन शक हो अंदर धंस जाऊँ अल्लाह ताली अभी चाहे तो पत्थरों की बारिश बरसा दे लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला उसको नहीं पकड़ते यहाँ से ही पता चलता है कि अल्लाह व तआला इज़ गिविंग टाइम ए मेरे बंदे लौट आ ए मेरे बंदे तोबा कर ले तो मैं समझता हूँ कि यू नो इट्स इट्स अबाउट रियलाइजेशन जब हमारे अंदर रियलाइजेशन आ जाएगी ना इट विल चेंज योर लाइफ असल में इसमें ना एक एक पॉइंट ये भी है आई थिंक मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना आई थिंक अगर कोई सुन रहा है ना और किसी किसी किस्म के प्राइवेट गुनाह में है तो ही विल फील रियली मोटिवेटेड टू

तो एक उसका री उसका एक प्रोसेस है यू नो देर देर कहीं आप किसी किस में आपको दवाई लेनी पड़ रही होती है आपको बहुत सारे स्टेप्स उठाने पा रहे होते हैं ताकि वो एडिक्शन से आप हटें इस तरह अगर आप किसी प्राइवेट सिन की पोनोग्रफ़ी या इस तरह किसी चीज़ के एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए hmm. चाहे इवन सम पीपल एडिक्टेड टू यू नो सम सॉर्ट ऑफ सीरीज या नेटफ्लिक्स और चीज़ों में तो एक दो दफ़ा तो वो छोड़ने में आसानी होती है बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू दे स्टे कंसिस्टेंट ऑन लिविंग दैट सेंट पेंटली आई थिंक उसमें ना आई थिंक दे नीड टू बी मोर टू दिस यू नो हमें कभी कभार हम इवन हम भी देखें ना कभी कबार कोई अच्छे किसी हमारे जो तस्वीर की क्लास होती है उस दिन हमारा मोटिवेशन लेवल ई मान के लिए आप होता है मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम क्या तैयार ये नहीं करनी देन आफ्टर कपल ऑफ डेज वापस वो डाउन हो रहा होता है इट्स द सेम वे जो लोग गुना कर रहे थे उनके साथ भी ये होता है एंड मेरा अपना तजर्बा ये है और मैंने अक्सर भाइयों को मशवरा भी दिया है कि यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स यू नो स्पेशली अगर आप किसी ऐसे गुनाह में हैं प्राइवेट सेंस में अकेले कमरे में जाके करते हैं देन यू अगर आप एक दफ़ा और काफ़ी लोग हैं जिस तरह आपने ना सेंसियर होते कि वी वॉन्ट टू तो लीव दिस हमसे हो नहीं रहा मतलब वो क्या करें तो उसमें देर मल्टीपल स्टेप्स मतलब कुछ जो हैं सबसे पहले कि यू हैव टू आइडेंटीफाई वॉट आर द ट्रिगर्स वन डी यू कमेट दैट सेंट वे डू कैमेट दिन एंड उस टाइम और किस चीज़ पर यू नो इज इट योर सेल फोन इज योर लैपटॉप और आई पैड इन योर रूम आफ्टर टेन और इज़ इट मल्टीपल टाइम्स डे वो सारे चीज़ें एप्लीकेशन कौन सी जो हमेशा ट्रिगर करती है hmm. आपको इज इट तो, कोई फ्रेंड्स भेजते हैं मैसेजेस <laughs> कोई ऐसी लिंक्स भेजते हैं या आप खुद उनके सब्सक्रिप्शन समझता हैं कि जो विड्रॉल वाला सारा प्रोसेस है इट्स अ कम्प्लीट पैकेज ऐसा नहीं हो सकता कि आई वॉन्ट टू लीव दिस पर्टिकुलर सीन एंड आई वुड ट्राई टू जस्ट लीव दिस नाउ ओके बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ले कर आनी है ताकि जो आपको हेल्प करेंगी बिल्कुल वो जो चीज़ होती है ना कि वो आप कोक वाले ग्लास में पानी डाल रहे हैं डाल रहे हैं और वो इवेंचुअली क्लियर होता है आपने अपने अंदर इतनी अच्छाइयाँ बाकी लेके आनी आपके फ्राइज हो गए आपका आप दोस्त, दोस्त हो गए तो। मतलब एक पैकेज है पूरा हाँ। ये पैकेज आपको हेल्प <coughs> कर सकता है स्वीयर से स्वीर एडिक्शन से निकालने दो, के दोनों चीजें आपने चीज़ें ऐड भी करनी है और चीज़ें डिलीट भी करनी डिलीट भी करनी है कि जो आपको उसकी तरफ लेकर जाती है यू नो वो आए हुए थे उनका जो स्मार्टफोन था ना वो कहीं जिम में टूट गया कहते हैं तो आई डिस नॉट टू अ स्मार्टफोन कहते फॉर नाइन मंथ्स आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन कहते दिस वॉज अ टाइम मैंने अपनी पूरी किताब लिख ली थी मतलब मेन चंक उसका बिकॉज वट है वो एक वैसे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब वो जो प्रॉब्लम है ना या जो चीज़ आपकी उसमें हावी हो रही है उस चीज़ को छोड़ने में करने में वो अगर आप उसको आउट ऑफ़ द इक्वेशन ही कर देना फॉर एक्जाम्पल अगर आपका सेल फोन चीज़ें हैं दिन मेक अ हैबिट आप अपने भाई या कोई चीज़ है किसी को ऑन बोर्ड करें क्या यू नो वट आपने मैं जब रात को कमरे में जाऊंगा ना ये फ़ोन मेरा मेक श्योर करें वो कमरे में आए आएंगे कोई टेक चीज़ ना हो इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जब आप कांस्टेंट एफ़र्ट कर रहे होते हैं ना उस गुनाह को छोड़ने की या कोई भी गुनाह है शैतान भी कांस्टेंट एफर्ट कर रहा होता है कि आपका रिलेक्स हो और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पलट भी जाते हैं ना उस गुनाह की तरफ दोबारा गुनाह कर लेते हैं तो ये जहन में रखें कि शैतान का ये जो पूरा प्लॉट है यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट शैतान ना ये फॉल्स किस्म की थाट जहन में डालता है कि

बंदा ना कॉन्शियस एफर्ट डाले मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि यार बहुत बड़ा मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस मोबाइल इज हराम कि ये यार रखो ही ना ये बेसिकली टूल है इसको आप अच्छे जैसे आपने कहा ना कि आप अगर अच्छाई के लिए इसको यूज करना चाहते हैं आप कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं यू कैन यूज इट लेकिन देखा यही जा रहा है कि इसको लोग जो है ना नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और इस हवाले से ना अगर तो कोई बंदा वाकई मुस्लिह है यानी अपना अपने, अपने आप को संवारना चाहता है अपनी आखत को संवारना चाहता है ही हैज़ टू टेक द बोल्ड स्टेप्स मिसाल के तौर पे अगर मैं ये समझता हूँ कि यार मुझे बार बार इस मोबाइल की वजह से ना आई जस्ट गेट इन टू दिन अगेन तो मुझे कुछ अरसे के लिए वो छ महीने भी हो सकते हैं साल भी हो सकता है मुझे अपनी वो आदत खत्म करने के लिए ना आई हैव टू चेंज माई मोबाइल मा एंड्रॉयड से निकल जाऊँ आई से निकल के वो जो बेसिक मोबाइल नहीं होते जिसमें वो लोग टेट्रिस खेला करते थे और वो स्नेक की जो गेम थी उसमें आ जाना चाहिए आप तो जरा एक्सट्रीम बता रहे ना मैं तो ये भी समझता हूँ कि द काइंड ऑफ पीपल यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम मैं आम यूथ के लिए कह रहा है

अगर आप दो तीन दिन ना फ़ोन यूजेज कम हो आपका जनरली नॉर्मल से डू नॉट फील बेटर फील करते हैं बल्कि आपका ना एक वो ब्रेन फॉग नहीं होता बिल्कुल रिलेक्सड होते हैं उस दिन आपके दिमाग में दस बातें आ रही है फिजिकली एक्टिव फील कर ताँग रही ताँग रही बढ़ मैंने अच्छा, घर के ना कुछ ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे जिसे मैंने फोन साइड पर रखो तो मुझे सारे काम नजर आ रहे थे यार ये चीज भी ठीक कर रही है बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है आप यकीन करो दिन ऑफ दाइम आप जरा जब ट्रैवल करने लगते हैं ना अपनी गाड़ियों में ज़रा स्टॉप वॉच को ऑन करें और जब ट्रैवल आप रोक लेते हैं ना तब आप देखेंगे आपने कितना ट्रैवल किया है घंटा hmm. आधा घंटा डेढ़ घंटा आप यूज़ करते ही करते हैं hmm. या आप मोबाइल पे देख लें आपने कितना यूज़ किया यार यही टाइम अगर आप इल्म सीखने में लग जाए ना ब्रो एक साल के बाद सुबहान अल्लाह आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं यानी ड्राइव ना एक करें एक आप क्या रहे? हैं। नहीं आप सुने बहुत लेक्चर सुने ना आगा। आप, आप लेक्चर सुने रादर देन लिसनिंग टू तो म्यूजिक या कोई आप कोई और आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो माइंडफुलनेस वाली थी और इस हवाले जा रही बात नहीं नहीं खुद ये करता हूँ ड्राइव करते हुए कुछ सुनता ही हूँ हाँ नहीं वो जो कह रहे हैं ना यानी कि आप कॉन्शियसली एक काम नहीं कर नहीं नहीं हैं। यार इस हवाले से <laughs> ना नहीं अच्छा मैं वाई एम आई सेइंग दिस देखिए हमें ना सुलेमान अली सलाम की उनकी लाइफ से भी मिलता है कि एक दफ़ा हुआ क्या ही हैड यू नो दोज हॉर्सेस बड़े ब्रांडेड हॉर्सेज थे तो उनकी ना ना असर की किस कंपनी ब्रो ब्रो जी नो ब्रांडेड हो <laughs> हो होते थे अरबी घोड़ा अलग होता था ओमान था था। का घोड़ा अलग था ब्रो उसकी क्या ही बात क्या बात वो ओमान का घोड़ा के नहीं मैं मैं तो यानी जो अरब हॉर्सेस है उनके हाँ तो आप जब देखे ना उनकी फिजीक और उनका जो जो चेहरा होता है इट्स डिफरेंट एन दिया, दिया है? तो आपका भाई कैसे होता आ? है आपका भाई घोड़ों के फील्ड का ब्रो, ब्रो आपको पता है अभी भी घोड़े जो है ना वो दो दो लाख डॉलर्स के बिकते हैं वो मैंने जो है ना वो यूट्यूब पे देखा एक पूरा स्टेज सेटअप था लोग आए हुए हैं वो बिड करने के लिए और घोड़ा लेके आते हैं वो इतने महंगे घोड़े बिक रहे हैं आपकी सोच आपको ये जो ये, uh, क्या कहते हैं एनुअल है, है। इवेंट होता है उसका नाम जिसमें हॉर्स रेसिंग की होती है आपको पता है इट्स सच अ बिग इवेंट और बल्कि अल्लाह माफ करे बेटिंग और गैम्बलिंग मेगा थ्री इवेंट होता है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जिस कंपनी में काम कर रहा था ना तो ऑस्ट्रेलिया में इट्स सच अग डे कि उन्होंने हमें वो एक्चुअली में ऑफ दे दिया और उसकी स्क्रीनिंग और इवेंट की हॉर्स रेसिंग की मैं खुद था अच्छा इंग्लैंड में भी थे लेकिन इधर तो इतना बड़ा और लोग तैयार होकर आए हुए वो जो औरतों ने उस तरह की कैब्स पहनी हुई उसकी शूटिंग के साथ उसके पहने हुए मैं तो खैर उसी तरह चला गया लेकिन आई वॉज शॉक टू सी कि यार ये इतना बड़ा इवेंट पूरा मुल्क छुट्टी हुआ है घोड़े तो असल है ना हमारी यानी हम तो सबसे पहले उस आए और जैसे हमें ना फॉर एग्जाम्पल दो जिस दिन दो पैट्स लेके आए हमें उनमें फ़र्क नहीं एक बिल्ली कौन सी वो बिल्ली कौन सी अगर रंग का फ़र्क ना हो या इवन चूज़े भी हो ना मुर्गी के तो हम फ़र्क नहीं कर सकते बट सिंस वंस यू स्पेंड टाइम विद देम आपको पता है यार फ़लाँ वह ये और फलाँ वो इवन घोड़ों का भी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम गुजारा घोड़ों के साथ यार जैसे आप पहचान लेते हो तो ना कि ये ब्रिटिश है ये श्रीलंकन है ये इंडियन है ये पाकिस्तानी है जैसे और इवन नस्ल अरबी घोड़ों की पाकिस्तानी घोड़ों से और डिफरेंट जो कैनेडियन है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है अरबी घोड़े पतलीक होते, होते हैं, हैं। उनका चेहरा उनके नॉस्टल्स बड़े होते हैं ठीक है उनकी जो, हाम, ये जो ये जो जो पीछे बैक है उसमें कर्व ज्यादा होता है बड़ी डिफरेंट नो डीप लवर अब सलमान अब देखिए उन यानी हॉर्ज उनके सामने हैं असर का वक्त हुआ है अब वो इतना मशगूल हो गए अपने घोड़ों से असर का वक्त चला गया यू नो वट ही डिड आफ्टर दैट कि उनको एहसास हुआ कि यार मैंने तो मेरी असर की नमाज ही लिखी है ही लिटरली स्लॉटेड देम Hmm. Achla, oh, he slaughtered दे दे कि यार मेरी नमाज इनकी वजह से से चली बोल, गई है है तो अब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी फैक्टर कम किया ना अपनी लाइफ पेंट नहीं करवाया बड़े बड़े आके उम्र बे खताब से कौन बात करेगा कौन बात करेगा कि मस्जिद नबी का हम पेंट कर लें उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज लेके आऊँ जो तुम्हें नमाज से डिस्ट्रैक्ट कर दे अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ते हुए जो रेड कलर के जो सामने पर्दा लगा हुआ था ना उसको हटवा दिया हमारी ज़िंदगी में इतनी डिस्ट्रैक्शनज हैं और हम उनको ख़त्म नहीं बिल्ण करें अल्लाह के लिए यार और वह ये जो हमने बात करें ना इट्स अ पैकेज नो डाउट इट्स अ पैकेज बट सबसे जो बड़ी चीज़ जो जो मेरे एक्सपीरियंस में जिसने मुझे हेल्प किया और लोगों को हेल्प किया ना ब्रो वो यही है और सर्फ भी कहते हैं कम मिन फिल फ़िलखाइफ मनहना अनहू मिन ख़ा तआला व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी जन्नातान कितनी ही प्राइवेट के सेंस जो कि हमारा दिल कर रहा होता था और हमारे अंदर उस गर्मी की यानी उस गुनाह की गर्मी थी और हमारे पास पूरी अथॉरिटी थी हम कर लें <coughs> लेकिन अल्लाह के इस वर्ड ना जैसे हमारे जहन में आता ना वली बन खाफा मकामा रफ़ी जन्नत जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया उसके जन्नत वी आर ट्राइंग टू यानी ईटिंग अलाट ट एक्सेस सेलफोन साथ है बेड पे आप लेटे हुए हैं लेकिन असल जो ब्रो और मैं कहता हूँ इन सबको डिस्ट्रेक्शन को मिनिमाइज करें नो डाउट अपने जो हम बात करें अल्ला कॉन्शियसनेस हाउ डू डेप दिस भाई एक एक नॉर्मल आप इमेजिन करिए समन जो कि एक एवरीडे मुसलमान है हमारे मुल्क का जो कि शायद नमाज भी पढ़ता है ऑन एंड ऑफ लेकिन नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी देख लेता है स्मोकिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है सिनेमा में जाके मूवी भी देख लेता है खाना पीना भी बाहर है घर में आते हैं अच्छी बातें भी कर लेते हैं मतलब एक एवरेज जो ट्रेडिशनल मुसलमान है अब उसकी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन सारी चीज़ें हैं ही वर्ड डेवलप अल्लाह कॉन्शियस हाउ डू दैट सिर्फ सिंपल फोर स्टेप्स हैं ब्रो सबसे पहला अल्लाह तला के बारे में जाने That means आप नॉलेज सीख, करे। सीख करें और अल्लाह के बारे में स्पेसिकली ठीक है अल्लाह ताला मेरे साथ है, जहन में लगाओ कि मेरा कैमरा <coughs> एक अल्लाह ताला का मुझे देख रहा है ठीक है दूसरी चीज़ यह है कि कुरान की तिलावत कसरत से कि पढ़े के अल्लाह ताला तलाखाफा मकामा रब्बी ही वनः नफ़ा अनिल जिसको ब्रो गुनाह के टाइम आयत याद आ जाए ब्रो उसका जिसम तड़प जाता है उससे गुना Bro, नहीं जानी होता। जानी अगर थोड़ी देर भी ना बंदा मैं कहता तो हूँ कुरान की तलाव हम वे ट्रांसलेशन और थोड़ी सी तफी थोड़ा दिन में 20 25, 25 30 मिनट भी निकाल ले। आई थिंक दैट्स दैट वुड रियली बी तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुराकबा को छोड़ेंगे या इफ़ यू फॉल इन टू सिंस उसका कॉन्क्वेंस क्या है यू नो दैट यू नोट दें ना कि वट आर द कॉन्सिक्वेंस जो जो हदीस मिलती है ना हमें अल्लाह के नबी वसम की जिसमें आपने फरमाया कि क्या हम दिन <coughs> लोग आएंगे पहाड़ों जितने बड़े आमाल लेके अल्लाह उनको तय कर देंगे ठीक है उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है ठीक है इफ़ यू यू टू डू डू सीक्रेट सिंस इट बट देन बी रेडी कि आपके तमाम आमाल बर्बाद कर दीजिए लेकिन प्रोट जो आपने कहा ना कि वो जो वो इनके दिल कांपने लग जाते हैं वो गुनाह नहीं करते मैं फिर यही कहूँगा कि गुनाह फिर भी होते तो हैं हो जाते हैं लेकिन वो किन की बात रही है इनके में पास भी ना यानी लोग आते थे शेख गुना हो जाता है फिर तोबा करता हूं फिर रिलैप्स हो जाता है रोता हूं बड़ी अपने पेनल्टीज लगाता हूं फिर हो जाता है उन्होंने कहा तू तो तब तक तोबा करता रह जब तक तो शैतान उसे मायूस ना हो जाए तो ब्रो एवरीबडी सेंस डाउट। अल्लाह ताला को शायद पलटना बहुत पसंद है ऐड कर दूं फिर आप कंटिन्यू करें कि ब्रो

कुरान काम हासिल करें और उससे एक चीज प्रैक्टिस है कि रेस्टिट्रेशन को कुरान तो बढ़ाएं हुँ. मैं इसमें एक छोटी सी चीज जो मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकल जो ऐड करूँगा वो है कि अपनी कंपनी पर बड़ा गौर करें बिकॉज आई फील कि आजकल के, के दौर में तो ना इट्स इट्स फर्ज है फर्ज है कि भाई अपने आप की कंपनी को बहुत सिलेक्ट करें लिटली हैंड पिक योर फ्रेंड्स डोंट के अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास वेलोज अब यही ऑप्शन है नहीं भाई आप बाहर निकलें कोई स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लें क्रिकेट में चले जाएं फुटबॉल में चले जाएं कोई और हेल्दी हेल्थी रनिंग की एक्टिविटी में चले साइकिलिंग में तीनों चीज़ें ना भी करें ना और सिर्फ कंपनी को कर लें तो ये तीनों खुद ही आ सकें ये, ये तीनों की तरफ ले जाएगी कंपनी की तरफ क्योंकि आप वो दोस्त बनाएं जो इल्म में आपसे ज्यादा है अच्छा सलफ कहा करते थे कि अगर आपका ऐसा दोस्त है कि जिसकी कंपनी में आप कोई बुरी बात कहें या करें आपको शर्म आ जाए ना ऐसा दोस्त बहुत अच्छा यानी अगर आपके पास ऐसा ही दोस्त है ना तो इस वर्थ है वो इसके अलावा आपको कुछ कुछ भी गाइड नहीं कर रहे होना चाहिए उसको बनाओ जिसको तुम्हें देख के अल्लाह याद आए वो आजाद रखो कि मन दिखा और तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएं। <laughs>

तो फिर उसके अमाल ठीक हो जाते हैं अब देखें सलफ क्या किया करते थे अब ये इमेजिन करें अपने घर के अंदर कबर खोद के रखते थे एंड एंड टू टू रिहर्स जब उनको थोड़ा बहुत उनका गुनाह की तरफ रगबत होती थी ना वो कबर के अंदर जाते थे दे यूज टू लाई डाउन और फिर वो आय तिलावत करते थे या अल्लाह हमने देख लिया हमें एक दफा वापस दुनिया में लौटा दे मैं, मैं, इमेजिन करें मैं। और थोड़ी देर के बाद उठ जाते थे <laughs> और फिर अपने आप से कहते थे कि देखो तुझे एक और मौका दे दिया तेरे रब ने वो ये ये वीडियो देखे, ये वीडियो देखे, हम ये वीडियो प्ले करेरा तुम मस्तु अल्लाह ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها अब देखिए कितना बड़ा डिटरेंस है ब्रो इसीलिए तो देखें यू नो दू थिंक्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है देखी जाएगी यार जब बूढ़े होंगे और ये वो अब देखें ये बिल्कुल यानी अगेंस्ट है रसोल्ला के टीचिंग से कि आप अब देखें, अब देखें अब्दुल्ला बिन उमर हैं रजी अल्लान एक दफ़ा जा रहे हैं और रसोल्ला उनको पीछे कंधे से पकड़ते हैं कहते हैं या ग़ुलाम क्या ज़बरदस्त टीचिंग है ब्रो आज हमारे बड़े अल्लाह ताला उनको खैर व आफत से रखे उनको से तंदरुस्ती दे आज हम ना वॉट वी डू इज एज एल्डर्स हम ना बड़ा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि यार अभी आपने बड़े होना है अभी आपने अपना कैरियर बनाना है फिर आपकी बेटा मैं अच्छी जगह शादी करवा दूंगा और फिर आपने अच्छा ये यू नो you know, ड्रीम्स वो फिर आगे जाते रहते हैं अब रसूल वसल्लम अब ये शबाब यानी शब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं या गुलाम इजा अम सईता फ़लातान तवर अला सबा व इज़ा असबाह था फ़लात अन तवर मसा अब क्या ज़बरदस्त टीचिंग्स दे रहे हैं कि ए अब्दुल्ला अगर तू रात पा लेना तो सुबह तक का वेट मत करना और अगर सुबह तुझे मिल जाए तो रात का वेट ना करना तो इसका मतलब ये इट्स स्टेट ऑफ एमरजेंसी इसीलिए तो सहाब कराम एक, एक, एक लम्हे का फ़ायदा उठाया करते थे साहब कराम के बारे में क्यों आता है कि उनके बारे में आता है कि अगर उनको पता चल जाए ना कि अगले दिन क्यामत आ गई है उनके अमल में कुछ भी इजाफा नहीं होता था यानी दे यूज टू तो गो टू तो दे फुल पोटेंशियल इससे बेहतर वो अमल नहीं कर सकते थे दूस टू तो एग्जॉस्ट देव तो हम क्या करें ब्रो हम हमारे यहाँ टर्म है ना टाइम पास करना टाइम किल करना वे डू वी गेट दिस टर्म फ्रॉम हमारे लिए टाइम पास के नाम पर ना, को तो कोई चीज़ नहीं नहीं जनती जो है वो देखेंगे वो वक्त जो उन्होंने गुजार दिया होगा इस तरह और हसरत करेंगे कि काश इसमें हम कुछ अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं तो आज हमारा लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाता ये यार सवाल हुआ अगर करेगा यार आपने अपना वक्त कैसे गुजारा मैं तो कभी कर रहा हूँ ये मुझे ना फसल ये जो सवाल है ना जिससे जो चार सवाल आते हैं जिस तब तक बंदा मूव नहीं कर सकेगा हाँ। उसमें ये जो सवाल है ना कि आपने वक्त कैसे गुजारा या जवानी कैसे गुजारी इट्स सो स्केरी बंदा क्या बताएगा बताएगा मैं मैंने पड़ी ये पड़ी सीरीज देखी। बुक सामने होगी। मैंने बैठ के फलाने को ये जुगदे मारी मैंने फलाने को ये इंसल्ट किया मैंने फजूल में बैठ के ये वीडियो गेम्स देखता रहा मैं स्क्रोलिंग करता रहा और मैंने क्या क्या देखा उस पर यू नो दिस इज दिस इज सो स्केरी कि हम अपने वक्त में इतनी फजूलियात हमने ऐड की हुई है ना मैं कहता तो हूँ ना ना अगर निक ही नहीं कर पा रहा एटलीस्ट अपने आप को जो टाइम वेस्टिंग जो आप आपको hmm. टाइम किल करने वाली जितनी चीज़ें ना hmm. लेकिन पता है क्या इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये uh, सगैर होते हैं ना बहुत सारे सगीरा गुना होते हैं हमसे इस तरह hmm. करते हुए तो हम जो अच्छे काम करते हैं ना फिर नमाज पढ़ते हैं वज़ू करते हैं इस तरह के गुना साथ साथ धुलते भी रहते हैं वट अबाउटल यारस्टली बताऊँल यार मैं हैविंग सेट ऑल ऑफ दिस मैं बड़ा होपफुल हूँ ब्रो आज की जो यूथ है ना सीरियसली अगर ये अपनी ज़रा सी डायरेक्शन ठीक कर लेना ब्रो दुनिया में चेंज आ जाएगा आर यूथ हैज पोटेंशल ब्रो आप माशाल्लाह आप जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कैम्पस में वाई इज़ इट दैट दिस पीपल वो जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं बट दे कम एंड लिसन टू यू ये hmm. आज के नौजवान well, के अंदर yeah. hmm. you know, ना bro, bro, अब ये अगर उठ जाए ना यार hmm. खुदा कसम और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि आप जो है ना जो बगदादी बन जाए कुछ लाइफ में रूल्स और पॉलिसीज लेके आ जाए आप यकीन करो उम्मत की जो लीडरशिप ना अल्लाह लेगा अपने कुछ सिंग्स छोड़ दें जबान के सेंस आँखों के गुनाह को छोड़ दें और गुनाह हो जाए अल्लाह से तौबा करें रुजू करें अपने hmm. आप को ना थोड़ा सा सेट ऑफ डिसिप्लेंस बनाए ब्रो पता क्या है इसमें ना प्रॉब्लम क्या है कि हमारी यूथ को ना टू बी ऑनेस्ट डिलिब्रेटली दीन से दूर किया जा रहा है इनकी जो स्टडीज़ hmm. हैं या जो मर... आप यानी हमारे यूथ को ये नहीं पता कि हमारे सहाबा क्राम ने क्या क्या, क्या, क्या कुर्बानियाँ दी हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ब्रो इनको जब पता चल जाएगा ना कि अल्लाह के नबी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं सहबा क्राम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं ब्रो आप देखो ना इट जस्ट यू नो योर आइज़ वॉट वन यू लिसन और वन यू हेयर अबाउट जाफ़र बिन अब तलब कि वो जाते हैं ग़व मोहता में इमेजिन करें जाफ़र बिन अबी तालिब वो हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ही यूज़ टू रिजेम्बल द मोस्ट विद रसूलुल्लाह रसूल्ला उनके चेहरे बड़ा मिलता था और अखलाके बड़े अच्छे थे गुरबा के साथ बैठा करते थे तो होता क्या है कि जब गज़ा मोहता में जाते हैं यानी जंग मोहता में तो रसूलुल्लाह को पता चल जाता है कि जाफर बिन अबी तालिब ही हैज़ डाइड अब वो जो है शहीद हो गए और उनके जो है हाथ पहले राइट फिर लेफ़्ट और फिर जो है उनको शहीद कर दिया गया है जंग ख़त्म हो जाती है साहब कराम वापस आ रहे होते हैं अब जाफ़िर बिन अभी तालिब की वाइफ और उनके बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे जो जो मेरे हस्बैंड हैं वो फोत हो गए एंड दे आर प्रिपेयरिंग दम और वो जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करती हैं बच्चों को नहा के रेडी करती हैं रसूल्लाह को पता चल जाता है और रसूल्लाह ही इज़ द वन हु हैज़ टू गो टू देयर हाउस एंड टेल दैम अबाउट दिस ट्रैजडी अब कितना मुश्किल होगा रसोल्ला के लिए रसूल्ला जब एंटर करते हैं उनके छोटे बच्चों को देखते हैं ना वो उन्होंने उनम की होती है पा जाते हैं उनके जो है ना जो बालों को ना ही स्मेल्स दैम और उनको हक करते हैं अब वो जब न्यूज़ देते हैं कि आपके हस्बैंड जो है ही इज़ नो मोर ही हैज़ डाइड एज अ मार्ट उस यानी उस सहाबिया के दिल में क्या गुजरी होगी ब्रो शी डिड नो कि आज जो है वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे जो है हस्बैंड आएंगे एंड वी विल इन्जॉय और हम बच्चों के साथ हम खाना खाएंगे तो वॉट आई मीन टू से इज़ जब हमारे यूथ को हमारे यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि हमारे सहाबा ने सहाबियात ने इतनी बड़ी बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी हैं तो वट आर वी डूइंग क्या हम अपने मोबाइल से फिर जो है हम अपनी ये छोटी मोटी जो हमारी डिक्शन है ये नहीं छोड़ सकते वो लाई छोड़ सकते हैं ब्रो नॉट अल्लाह और अत लोगों के, <coughs> के वाक़ आते हैं एक आ, इमाम तनुखी रहल्ला लिखते हैं अपनी किताब में अलफरज बाद शा और लिखते हैं कि सफी एक शख्स था जनरल था उसने मुसलमानों के एक शहर पे अटैक किया और जब गया तो उसमें ना एक बड़ी प्यारी खूबसूरत ख़ातून देखी और टेम्प्रेशन गालिब आई तो अपने ऑनड्रॉज के साथ उसे घर पे चला गया और उसको ना पकड़ लिया लोग आए सेव करने के लिए मगर उसके जो प्रोटोकॉल था गार्ड्स ने लोगों को ना दुर्धकार तो दिया पीछे कर दिया जब वो गया ना कमरे में अपने को लॉक किया सरवा सारे दरवाजे बंद किए और अपने आप उस मुसलत करने लगा तो वो ना बड़ा रिटाइलीट किया उस बहन और शी वॉज अ प्रैक्टिसिंग लेडी बड़ा उसने रिटालीट किया लेकिन जब वो बिल्कुल अपने आप को करने लगा ना तो वो ख़ातून कहती है कि रुझो रु जो वो दरवाज़ा तो बंद करो वो खुला रह गया तो उसने देखा कौन सा दरवाज़ा कहते जो अल्लाह और तेरे बीच में है तो, तो वो काम किया ये क्या बात करती है यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है क्यों अल्लाह को तो मानता था वो और वो पीछे हट गया और कहा कि तुझे ना इस कल्बे ने बचा लिया आज और हम देखें अल्लाह अगर हम यार हमारे बिरब के बारे में भी आता है ना ब्रो इबन रजब अपनी किताब में लिखते हैं ना कि देर वॉज दिस बेडविन एंड यू नो ही वॉज इन द डेजर्ट मिडिल ऑफ द डेजर्ट और वो ना एक एक बेडविन औरत को बदू को ना जरा अपनी तरफ से ड्यूस करने की कोशिश करता है मायल करता है और रात है गुप अंधेरा है तो वो कहता है कि नहनुफी मकान लाराना अल का वाकब के हम उस जगह में जहाँ पर हमें इन सितारों के अलावा कोई नहीं देख रहा तो वो अल्लाह की बंदी कहती है कि वह आना मकाब बहा कि तुम्हारा उस जात के बारे में क्या ख्याल है जिसने इन सितारों को ऊपर सजाया है अब ये जब वो जवाब सुनते हैं ना फक्का फर्राजुल वो ना डर जाता है और फिर जो है ना चला जाता है वहाँ से तो इस हवाले से ना एक और ब्रो क्या मोटिवेशन देता है हमारा दिन इस हवाले से कि एक शख़्स था उसके पास ना एक औरत आती है यू नो एंग लेडी वो बेचारी गरीब होती है तो उसको ना पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी तो कर दूंगा मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ लेकिन बदकारी भी उसको माइल करने की कोशिश करता है अब वो उसके क्या हालात होते हैं बड़ी मजबूर होती है तो होता क्या है ही क्लोज द डोर और फिर जब वो एक्ट करने लगता है दैट लेडी शी स्टार्ट वीपिंग रोने लग जाती है तो ये बंदा कहता है कि तुम रो क्यों रही हो मैंने तुम्हें पैसे तो दे दी जो तुम्हारी जो है ज़रूरत थी जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी तो तुम्हें मैं ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर रहा कहती है नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर रहे आप लेकिन आई हैव नेवर डन दिस एक्ट मैंने कभी अल्लाह ताली लग की मासीयत नहीं की नाफरमानी नहीं की मैं तो गरीब हूँ सिर्फ मुझे पैसों की ज़रूरत थी अब देखो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है अब ये उस शख्स का नाम कि, अलकिफल होता है किफल hmm. Hmm. तो जब वो ये बात सुनता है ना ब्रो वो पीछे हो जाता है एक्ट से पीछे हो जाता है और कहता है कि तुम पैसे भी ले लो और चले जाओ दिस पर्सन अलकिफल ही डाइज द सेम नाइट उसी रात को वो तौबा, तौबा करता है तौबा करता है और वो मर जाता है और उसके दरवाजे के बाहर लिखा होता है कि अल्लाह ताला ने अलिफ के गुनाहों को मुआव कर दिया और वो जन्नत में दाखिल हो गया अब देखिए बंदा अगर अपनी डिज़ायर्स को टेम्टेस को कंट्रोल करता है ना कितना बड़ा अजर है यार इवन उम्र ख़ताब के भी वाक्य आता है ना कि वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और देखते हैं कि एक चरवाहा जो शीप्स चला रहा है और उनने कहा कि हमें दे दो उनमें से एक तुम्हें हम माल देते हैं तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये मेरी नहीं है मैं तो गुलाम हूँ अपने ऑनर का मैं सिर्फ इसको चलवा रहा हूँ तो भी खिताब ने कहा कि तुम ऐसा करो कि माल ले लो मुझे दे दो और मालिक को कहना कि भेड़िया खा गया वो कहता ठीक है मालिक तो मैं कह दूँगा तो फिर मैं फ़ाइन अल्लाह तो इस सारी ट्रांजेक्शन में अल्लाह किधर है यानी अल्लाह तो देख रहा ना ये बताएं अल्लाह किधर है तो मुरुभ खताब बड़े इम्प्रेस हो पड़ा रात गुजारी अगले दिन मालिक के पास गए और मालिक से वो गुलाम ख़रीदा और उसको आज़ाद कर दिया और एक और रवायत में आता कि बकरियाँ बकरियाँ भी बकरियाँ भी दे दी तो और भाग, 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 दे दी और फिर कहते हैं ये तेरा कलमा था ना हादी कलीमा बल्कि एक और कलमा भी रवायत में आता है उसने फमाया फमा अकूल तो मैं इसमें अलग का जवाब दूंगा आपको तो मैं कह दूँगा मालिक को भी ये कह दूंगा कहते हैं हाथ ही कलीमा आ तक का फिर दुनिया तुझे इस कैले मैंने दुनिया में आज़ाद कर दिया अन तो क़यामल ख़याम है और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि तूने जो सेंटेंस कहा ना कि अल्लाह के दरस इसमें तुझे हमेशा हमेशा की जन्म से भी आज़ाद रो अल्लाह तला से हया करना यही तो है मैंने ये, मैंने जब शुरू में पहले ये पढ़ी थी ना हदीस बहुत पहले अल्लाह तला से हया करने वाला मोमिन तो मुझे समझ नहीं आई थी मैंने कहा अल्लाह तला से हया करने का क्या मतलब हो सकता है वट इज़ इट रियली मीन कि अल्लाह से हयाब करो जो है वो मुझे हर वक्त देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट भी ना यानी लिखते हैं कि अगर जो तो तुम अगर तो आपसे सवाल करूँ अगर मैं गुना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मैं जानता हूँ कि अल्लाह नहीं देख रहा मुझे तो कितना बड़ा मेरा कुफर है बुरी और बुरी अगर मैं गुना कर रहा हूँ कि जानते हुए कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो कितना कमजोर मेरा ईमान है सही बात या हम कुफर में पढ़े या हमारा और अगर हमें पता चल जाए ना कि ये करने से और अल्लाह का खौफ इखियार करने से हमारे यूथ के जनरली मसाइल क्या हैं यार पैसे कमाने हैं यार अच्छी जगह शादी हो जाए ब्रो मामला या जो अल्लाम मखरा जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह तला रास्ते खोल देंगे और रिस्क व यर्सुक मिनहल ये वहाँ वहाँ से देंगे कभी इमेजिन नहीं किया होगा और सूरतलाक में मल्टीपल टाइम्स आया वमयत यूकफ़र अनुसैयात ही व अजरा

Uh, जो खातन थी लड़की उनके अंदर एक और किस्म की हयात थी जो आज उस तरह की नहीं है अप्रोच करना ही इतना मुश्किल होता था सेलफोन्स तो थे ही नहीं हाँ। नंबर फेंकने वाला या कोई अजीब तरीके से होता था डेट वज़ वेरी डिफिकल्ट अब तो गुनाह करना बहुत आसान हो गया सो आई थिंक वी शुड एम्पथाइज विद यूथ के uh, ये चीज़ें सारी करने वाली माशाल्लाह मतलब लॉट ऑफ गुड थिंग्स कि आप लोग ये बातें करते हैं मगर कुछ निज़ाम को नाफिज करने की बातें करें खिलाफत की बातें भी करें यह फिर पर... किसी और दिन डिस्कस करें नहीं नहीं बहुत बहुत लोग करते हैं चाहता हूं कि आपने अगर खिलाफत नाफिज करनी है ना अलवी हाँ आप अल्लाह देख रहा है कॉन्सेप्ट में आ जाएं कुरान कहता है वाला नुस्किन नकुम फिर अर्द हम तुम्हें ज़मीन में बसा देंगे रा लीमन ख़ाफ और मक़ामी वाफ नहीं वैसे खिलाफत नाफिज़ करने वाले पहले बंदे तो बनो नहीं, <laughs> पहले खिलाफत किस पे करेगा और कौन करेगा रो उसकी वजह यह ना कि अल्लाह ताला तो प्रॉमिस कर रहे हैं अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ ना और तुम्हें पता है अल्लाह तुम्हें देख रहा है थोड़ा तो ना तुम्हें खिलाफत एज़ ए गिफ्ट ब्रो ये सुनने को ना बड़ी अच्छी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम जो है गालिब हो लेकिन सवाल मेरा सबसे पहले ना मैं अपने आप से पूछता हूँ ये बात तो बड़ी अच्छी है यानी सुनने को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आया जो खिलाफत जो हम कह रहे हैं मेरी जिंदगी के ऊपर मैंने खिलाफत को इम्प्लीमेंट किया हुआ है मेरी जो कहते हैं ना प्राइवेट लाइफ कैसी गुजर रही है हाउ हाउ एम आई डीलिंग विद माई चिल्ड्रन माई पेरेंट्स माई सिबलिंग्स माई फैमिली मेरी जिंदगी में दूर दूर तक इस्लाम नहीं है और फिर मैं खिलाफत की अगर मैं बातें सुनता हूँ तो ये तो आप समझ ले, समझ लेना कि मैं कह कुछ रहा हूँ यादी और चले आपकी वाइफ ने बात नहीं मानी आपकी औलादे नहीं मानी आप अपने छः फुट के बदन पे तो खिलाफत नाफज करें एक्जैक्टली आँखों पर तो खिलाफत नाफज करें और ब्रो असल में हम क्यों कह रहे हैं ऑल दो वी शुड डेफिनेटली ट्राई के इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो और ये हर मोमिन की ख्वाहिश है तहे दिल से आप देखिए फ़लस्तीन में क्या हो रहा है यार और हम जो है ना बेबसों की तरह लड़कियों की तरह हमने चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं दो आंसू बहा लिए जो है ना कोई स्टेटस लगा दिया आवाज़ रेस कर ली यार ये मर्द होता है कि फलस्ती वो बहनों को मार रहे हैं हमारी यार हमारी माओं को मार रहे हैं और हम कहें कि जी हमसे हम तो अपने मुल्क के प्रॉब्लम से नहीं निकल, निकल सक निकल रहे, रहे अब तो अब देखिए वजह पता क्या है वल्ला लदीम हमने ना अपने आप खुद अल्लाह की नजर में जी जी, जी ब्रो हम, हम वो उमर बिन खत्ताब को जो कोर्ट है ना हम हम देखें ना हम क्या वैसे ही नहीं है कि जब उन्होंने कहा था कि नह नुकाउमन आज़न अल्लाह बिल इस्लाम यानी इब्तगैन अल इज्जा ल गैरिही अल्लाह कि यानी हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम से इज्जत बख्शी है ब्रो अब इस्लाम छोड़ दिया ना हमने देखिए अल्लाह ताला ने ज़लील कर दिया ना हमें ये हमारे ही है तो दिस व्हाट वी हैव डन इस हवाले से ना प्र मैं यही कह रहा हूं कि इन शाह ना हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है वंस वी आर डन विद इट और आप देखिएगा बड़ी खैर एंड विद रियलाइजिंग इट ना सबसे पहले अपने आप पर जो जो बंदा सुन रहा है और हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले जो शरीयत नाफिज करनी है या जो अपने पहले अपना आप महासब, महासब तो करें ना यू नो अपनी कमी कोताइयों पे फोकस करें और साथ साथ फिर बाकी चीज़ें करें बट यू नो इट स्टार्ट्स विद यू हम जो बात करें ना यानी हमने आपको एक डेस्टिनेशन दे दिया कि अपने वहाँ पहुँचना है इन श्ला और हमने भी पहुँचना है इनशाला बीच में हम गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे और आज से ना कोशिश करें यू विल सें एवरी बडी सेंस लेकिन जब गुना हो जाए ना आपने उस जगह पर पहुँचना है इनशाला और अल्लाह ताली के फिर प्रोमिस के लज्जत उठाएं यार यानी यू विल बी रिस्पेक्टेड ऑल राउंड द प्लानट यार रो सुफ्या इबन कैम क्या क्या, -क्या बातें करते हैं कि कहते हैं कि कितने ही लोग हैं जो तन्हाई के गुनाह छोड़ते हैं फ़ैकून बदा लक और इस अमल करने से गुनाह छोड़ने से कहादीन अनमिजबर फैयाफुबा वस्तन शिक्ल ना कहते हैं कि इस वजह से ऐसे होता है कि तुम्हारा जो इमेज है ना ऐसे लोगों में फैल जाता है तुमसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि जैसे किसी ने ना उदल हिंदी यानी एक बखू रख दिया है कोलों पे और वो आसमानों में फैल जाता है

की जो अखलास है ना इतना होता है कि उनके मौत तक रहता है मौत तक लोग मोहब्बत करते हैं और फिर दस दिन पंद्रह दिन बाद भूल जाते हैं कुछ का प्रो इतनी सेंसेरिटी होती है कि सौ दिन तक रहता है और ब्रो खुश की तन्हाइयाँ इतनी पाक होती हैं कि वो ब्रो सेंचुरीज तक रहती हैं और ब्रो कुछ लोग हैं जिनकी तन्हाइयाँ और जिन्होंने गुनाहों की गर्मी को इतना सप्रेस किया अल्लाह तला की ये आयात याद करके कि ब्रो उनकी जो खुशबू है ना ये जो फेफुबा ब्रो क्या के तो दिन तक रहती है हसन बसरी अबू बकर बकरी को देख लें ले, ख़ताब को देख लें इमाम याहिबिन बिन को अहमद को देख लें ब्रो उनके ना नफूस में तकवा दाखिल हो चुका था यार और आज हम उनका जिक्र करते हैं और यही वजह है कि उनकी जो है ना सब फैल गया है ब्रो हसन बसर से ना किसी शख्स ने पूछा कि क्या वजह माबालमतदीन की जो रातों को खड़े होने वाले लोग हैं इनकी नींदें पूरी नहीं होती लेकिन दीस पीपल हैव द मोस्ट शाइनिंग फेसिस इन द डे इनकी नींदें भी पूरी नहीं होती क्या ज़बरदस्त जवाब दिया हसन सनबास ने हमने अदर डे वी वो टॉकिंग अबाउट अखलास राइट वो कहते हैं कि इन लोगों की जो तन्हाई है ना ख़ा रसोल्ला इन्होंने अपनी तन्हाइयों को यानी अखलास के साथ सन्सरिटी के साथ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इन्होंने ना अपने जो है ना तन्हाइयाँ रखी हुई थी दे यूज़ टू हैव देयर प्राइवेट मोमेंट्स विद वाला सुबह यू सवाल भी करती है रैपिंग इट आप कैसे जानने कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है कैसे पहचाने कि अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है या नाराज़ है तो मैं तो ये कहूँगा कि देखें कि आपके दिल में अल्लाह की कितनी क़दर व कीमत है और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ देखें आपकी तन्हाइयाँ कैसी हैं इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि आपका ईमान कितना है अपनी तन्हाइयों को देख लें बिकॉज़ जो असल है ना हमारी वो हमारी तन्हाइयाँ हैं पब्लिक लाइफ में तो हर कोई माशा तबारक अल्लाह और इमाम इब्नेजल वसी भी कहते हैं ना कि डोंट बी एन एनिमी ऑफ शैतान इन पब्लिक एंड फ्रेंड इन प्राइवेट ज एनीमी इन प्राइवेट तो असल तनहाइयाँ अगर हम अपनी तनियाइयाँ देखना शुरू कर देना जो हमने आज प्रैक्टिकल बातें की ना तोला हम सबको अमल की टॉफिक दे